हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केपीके क्लैशर। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? तो जैसे आप सबको पता है, 0.15.0 की अपडेट जो है वो ग्लोबल वर्जन में आ चुकी है और पबजी मोबाइल के और वर्जन में भी आ चुकी है। तो ग्लोबल वर्जन की जो अपडेट है वो तो सब ने प्ले स्टोर से अपडेट कर ली होगी, या जिन्होंने अपडेट नहीं की होगी वो भी आज के दिन में सारे बंदे अपडेट कर लेंगे। लेकिन पबजी मोबाइल के और वर्जन का अपडेट आपको कहाँ से करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। आप बिल्कुल बहुत ही सिंपली सिर्फ एक क्लिक से पबजी मोबाइल के और वर्जन को जो है अपडेट कर सकते हैं। तो जो फ्रेंड पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन इस्तेमाल करते हैं वो वीडियो उनके लिए है। तो फ्रेंड इस वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले या मैं जो है आपको एक एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जो है आपने आ जाना है यहाँ पे गूगल पे, और गूगल में आपने सर्च करना है टैप, जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ टैप टैप, ये आपने सर्च कर लेना है। और यहाँ पर टैप टैप पे जो है आ जाना है, और ये जो है यहाँ से जो है इस टैप टैप एप्लीकेशन है, और ये जो है आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो ये तकरीबन 15-20 MB की जो है छोटी सी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर की तरह, तो ये जो है आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये जो है ये बिल्कुल प्ले स्टोर की तरह है, और इसमें सभी पबजी मोबाइल सभी गेम के न्यू वर्जन जो है यहाँ पर अपडेट रहते हैं। तो यहाँ पर आपने ऊपर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे जो है सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपने सिंपली पबजी मोबाइल सर्च कर देना है, तो यहाँ पर जितने भी पबजी मोबाइल हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर जो है ये पबजी मोबाइल जो सबसे पहला वाला है ये ग्लोबल वर्जन है, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। और इसके नीचे आप देखें पबजी मोबाइल केयर वर्जन, तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं अपडेट्स आया हुआ है, तो आपने अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर आपको 1.80 GB का अपडेट है, ये आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपका अपडेट जो है वो शुरू हो जाएगा। और अगर आप वाईफाई के थ्रू अपडेट करना चाहते हो तो डाउनलोड यूजिंग वाईफाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अपडेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप सिंपली एक ही क्लिक से जो है पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन को जो है अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।